Hey guys, welcome back to my channel Sonil. कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे. आप लोग दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So आज का जो vlog है बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि बहुत टाइम से लोग मेरे को Instagram पे सब जगह मैसेज कर रहे हैं कि आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ. तो फाइनली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे हुआ क्या है. मतलब मैं इतने टाइम से क्यों बीमार हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं बताऊँगी, मैं अपने पार्टनर के साथ आपको बताऊँगी. तो ब्लॉग क्लास तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, फिर आप कमेंट करोगे. तो इसलिए आप ब्लॉग को ज़रूर देखना. फिलहाल अभी मैं थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के थोड़ी तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर. मैं अपनी मम्मी के घर कभी कभार ऐसे चली जाती हूँ मिलने के लिए, क्योंकि पास में है ना, रहने बहुत टाइम के बाद जाती हूँ. तो वैसे मैं काम से जा रही हूँ, क्योंकि अम्मी ने लिए थे सूट और वो डालने हैं सिलने के लिए. ये शैनिल के सूट है और इसको सिलने के लिए डालना है. तो मैं जा रही हूँ सूट डालने, अम्मी कहीं और जा रही हैं काम से. मैं और अम्मी साथ निकल रहे हैं, लेकिन मैं घर निकल जाऊँगी, अम्मी कहीं और जाएगी. तो सूट डालेंगे, थोड़ी देर मम्मी घर बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे. शुमारा जा चुकी है, मेरी बहन आई थी सुबह तो उसको लेके चली गई है. शुमारा जा चुकी है, अब मैं जा रही हूँ. तो खाना वाना मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरी मम्मी ने बनाई है कढ़ी और मम्मी ने रात ही मुझे बताया था. तो मैंने बोला था मम्मी मैं कल आऊँगी तो तुम मेरे लिए कढ़ी ज़रूर रखना, तो मैं वहीं जाके खाना खाऊँगी. अब मैंने अपना आज बहुत ज़्यादा लेट करा है. कितने बजे करा है? मैंने आज अपना काम करा है 2:30 बजे स्टार्ट. बताओ कितनी शर्म की बात है कि मैं अपना इतना लेट काम करती हूँ घर का. लेकिन कोई बात नहीं, धीरे 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 मैं अपने आप को सुधारूंगी, जल्दी कर लेती हूँ. लेकिन ये बच्चे लोग ठंड में, दिल्ली में इतनी तकड़ी ठंड पड़ रही है, सुबह 11 बजे तक ओस रहती है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम बिस्तर में पड़े रहते हैं. तो लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधारूंगी और जल्दी काम करा करूंगी. तो 2:30 बजे काम करा, बहुत लेट हो गए. अब जा रहे हैं अम्मी और मैं निकलेंगे. अम्मी का रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है. तो चलते हैं. और अम्मी तैयार है? मैं तैयार हूँ. अभी अम्मी पहले अपने जुल्फों को ठीक करेगी, क्योंकि अम्मी बड़ी मुश्किल से कंघा करती है सर में. तो अम्मी अपने बालों को ठीक करेगी. हम लोग जा रहे हैं, अम्मी के सूट में आपको दिखाऊंगी जब सिल के आ जाएंगे. हम लोग बहुत अच्छे सूट सिलवा रहे हैं, लेस वगैरह लगा के शैनिल के. जब सिल के आ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी. अभी निकलते हैं क्योंकि देर हो रही है, फिर घर भी आना है, खाना भी बनाना है. तो चलते हैं. सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ और मेरे साथ आ गई ये भी. मैंने आपको बताया था ना कि एक गुड न्यूज़ देनी है और मैं इन्हीं के साथ दूंगी. तो बताओ क्या गुड न्यूज़ है? बता दो, हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं. जी हाँ, बहुत सारे लोग ये पहले गेस कर चुके हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये आप प्रेग्नेंट हुई हो. जी हाँ, हम दोबारा से मम्मी पापा बनने वाले हैं. हमारी एक बेटी है शुमायरा, 5 साल की, और अब हम दोबारा से पेरेंट्स बनने वाले हैं. ये मेरा 4 मंथ्स चल रहा है. हमने सोचा था थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो हम बताएंगे, लेकिन पब्लिक सब जानती है वो सब चीज़ों को आप लोगों को पहले ही बताया. लेकिन हमने सोचा अब हम अपनी वीडियो में आपको क्लियर करके बता देते हैं कि इतना, मतलब हाँ, हम दोबारा से पेरेंट्स बनने वाले हैं. सो कैसा फील हो रहा है? मुझे तो पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो नॉलेज नहीं थी कि शुमारा है. मतलब पहले क्या था, हमारी हमारी शादी के 1 महीने के बाद ही शुमारा रह गई थी, तो इतना इतना पता नहीं था कुछ भी, इतनी समझ भी नहीं थी हम लोगों को. लेकिन हमने दुआ करी थी कि अल्लाह हमारी पहली बेटी ही हो, और अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी. हमारी बेटी और बहुत प्यारी है, आप सब देखते हो उसको. और बस अब 5 साल का गैप लेके हमने दोबारा से हमने सोचा है. यही वजह थी जो हम वापस अपने, हम लोग अलग रहते थे, सेपरेट रहते थे इनके काम की वजह से. लेकिन अब फैमिली के साथ आ गए, क्योंकि इस टाइम पे फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और मेरी शुमारा में यही रहते हैं, ये काम पे जाते हैं, डेली आते हैं, बेचारे इतने दूर से अप डाउन करते हैं मेरी वजह से, क्योंकि इनको पता है कि मुझे फैमिली की ज़रूरत है और आना जाना करते हैं. यही वजह जो मेरा वेट इतना बढ़ रहा है, और मैं जल्दी से, आप लोगों के ये भी कमेंट आते हैं बाहर वीडियो नहीं बनाते, इसी वजह से मैं जल्दी से बाहर नहीं जा पाती. क्योंकि हमारे में क्या होता है कि जब तक 3-4 मंथ पूरे नहीं हो जाते तो जल्दी से बाहर नहीं निकलते. फिर भी मैं थोड़ा बहुत निकल जाती हूँ. शुमारा के टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं निकलने देते थे, और सही बोलते हैं अगर घर वाले बोलते हैं तो. नहीं, वैसे जाना, कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते भैया, हमारे घर में नहीं जाते. हाँ, और मम्मी जाने नहीं देती ना.
और रही इतना टाइम का गैप हमने क्यों लिया है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई है शुमायरा, तो कम से कम डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप दूसरा बेबी प्लान प्लान करोगे तो कम से कम 4-5 साल के बाद करना। अभी भी इनका नहीं था लेकिन हम पे इस अब थोड़ा सा फैमिली का प्रेशर भी था और हमारी शुमायरा का भी था, क्योंकि उसको बहन भाई चाहिए। हाँ, बहुत वो हम पे बहुत प्रेशर डालती थी मम्मी पापा, पापा मुझे भी बहन भाई चाहिए, मुझे भी चाहिए। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा, बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जिम्मेदार भी हो गए, हम पहले भी खुश थे लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी शादी के सिर्फ 1 महीने के बाद ही शुमारा रह गई थी, तो हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का नहीं पता था और हम लोग सेपरेट भी रहते थे। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जब मेरी बेटी हुई थी तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ था। हमारी शुमायरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी थी, अल्लाह का है इतना, हाँ इतना अल्लाह का इतना शुक्र है कि सबसे पहले तो हमने शुरू से दुआ करी थी कि अल्लाह हमारी बेटी हो और बेटी ही हुई। और दूसरी वो इतनी हमारे लिए लकी थी कि जब वो हमारी लाइफ में आई ना, मतलब पूरी लाइफ ही हमारी चेंज हो गई। और आज तक अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बस आगे के लिए भी आप लोग दुआ करना कि आगे भी सब अच्छा ही हो। और अब बताओ, बस आप लोग भाई, मतलब आप लोग काफ़ी सपोर्ट करना यार, क्योंकि हम लोग आपको एक एक बात शेयर करते अभी हैं। तक मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, एक बार मेरा चेकअप हो चुका है लेकिन मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि अभी तक हमने ये बात आपको बताई नहीं दी। लेकिन अब जितने भी व्लॉग आएंगे वो जो भी, मतलब मैं कहाँ मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, मेरा चेकअप जो भी होगा वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फाइनली हम आपको बता चुके हैं। तो अब जो भी व्लॉग आएगा वो इसी से रिलेटिव आएगा, तो प्लीज़ देखना और अपना ढेर सारा प्यार देना और बहुत सारी दुआ भी देना, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब आपके सपोर्ट की बहुत, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो लेकिन आगे भी अब आपको बहुत ज़्यादा करना है। और अब आपको मेरी आगे की सारी जर्नी देखने को मिलेगी, कैसे कैसे हम लोग डॉक्टर के आते हैं, क्या क्या मेरे को क्रेविंग होती है, क्या क्या होता है। अभी तो मेरे को क्रेविंग बस ये होती है कि मैं चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ, सब छूट गया है मेरा। और बस ये सपोर्ट कर रहे हैं बराबर बेचारे, और बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करना। और थैंक यू सो मच जिन्होंने पहले ही गेस कर लिया था, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें आज पता चल गया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के, जितने खुश हम होंगे उतने आप भी होंगे। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो का लाइक करना और ढेर सारा प्यार देना, और आने वाली सारी वीडियो के लिए भी, मतलब वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना और बहुत सारी दुआ करना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय।